संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, उसकी बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में वचन जो होते हैं आपके, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। वैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन मतलब सिंगुलर, द्वि वचन में उसमें दो की बात हो, और प्लूरल बहुवचन होता है। एक वचन जिसमें एक की बात हो, जैसे अश्वह लिखा है, अश्वह का मतलब है एक घोड़ा, अश्वे का मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक घोड़ा, अश्वाऊ, अश्वाऊ का मतलब हो जाएगा दो घोड़े, और अश्वाहा मतलब बहुत सारे घोड़े। तो ये आपका वचन होता है। संस्कृत में गाइस तीन लिंग होते हैं, लिंग मीन्स जेंडर, जहां पर हम मेल फीमेल की बात करते हैं, वैसे संस्कृत में जेंडर को लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष, मेल। स्त्रीलिंग का मतलब होता है फीमेल। नपुंसक लिंग का मतलब थर्ड जेंडर नहीं होता है। नपुंसक लिंग का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग चीज, जैसे वनम, जलम, फलम, वन की बात हो रही, फल के टेबल की बात होगी, तो जो नॉन लिविंग चीज की बात होती है वो आपका नपुंसक लिंग होता है। तो पुल्लिंग में जैसे कोई भी लड़का मेल राम है, पुष्पेंद्र जैसे मैं हूँ, स्त्रीलिंग में कोई भी लड़की की बात सीता गीता, और नपुंसक लिंग में जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि टेबल, बनम, फलम, जो भी चीज है जो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करती है वो आपके नपुंसक लिंग में आती है। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, जी हाँ, तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी पुरुष क्या होते हैं सुन लीजिए। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, मध्यम पुरुष वो होता है सुनने वाला, मध्यम पुरुष कहलाता है, और तीसरा उत्तम पुरुष कहने वाला, जो बात कह रहा है वो आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। एक्चुअली पुरुष आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, हिंदी में कर्ता होता है, वैसे यहाँ पर पुरुष जो होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो प्रथम पुरुष जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में सहा, तऊ, ते, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। तो सहा मतलब बहन, तऊ मतलब बे दोनों, और ते मतलब बे सब, ये आपका पुल्लिंग। अगर स्त्रीलिंग की बात होगी सा, ते, तहा, और नपुंसक लिंग की बात होगी तत, ते, तानी, बह, वे दोनों और वे सब, एक वचन, द्वि वचन और बहु। संस्कृत में हमेशा एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन के हिसाब से ही सब्जेक्ट को देखा जाता है। पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आपके होते हैं तुबम। तुबम मीन्स होता है तुम या आप, जैसे इंग्लिश में यू होता है, बट आपको पता है संस्कृत में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इसको एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो युवाम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब या आप सब। तो ये एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन, तुवम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में सब्जेक्ट होता है अयम, आवाम, वयम। अयम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब, अयम, आवाम, वयम। तो गाइस इसी के साथ आपके पूरे पुरुष फिनिश होते हैं। तो इसी तरह के संस्कृत वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।